नमस्कार एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजधानी में सफाई कर्मियों के सामान्यीकरण की पहल। शहर के सभी वार्डों में समान संख्या में लगाए जाएंगे सफाई कर्मचारी। अब अस्थायी सफाई कर्मियों की हड़ताल पर भी नहीं होगी सफाई व्यवस्था बाधित। झुंझुनू के सिंघाना में दर्दनाक सड़क हादसा। भोदन बस स्टैंड पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बहन को परीक्षा दिलाने ले जा रहे भाई की मौत। छात्रा गंभीर घायल। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल किया रेफर। कोटा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। बपावर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। कार सड़क किनारे पड़े बिजली के खंभों से टकराई। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर पर घुसकर युवती के अपहरण का किया प्रयास। स्थानीय लोगों को देखकर धमकी देकर हुए फरार। समुदाय विशेष के चलते स्थानीय लोगों में रोष। झुंझुनू के सिंघाना थाने के भोदन बस स्टैंड पर दर्दनाक सड़क हादसे में बहन को परीक्षा दिलाने ले जा रहे भाई की मौत हो गई। वहीं बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक कृष्ण कुमार अपनी चचेरी बहन निकेतन को बाइक से बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा दिलाने के लिए उमराव सिंह और आर्य कॉलेज पचेरी ले जा रहा था। तभी भोदन बस स्टैंड के पास सामने से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कृष्ण कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पीछे बैठी बहन निकेतन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची सिंघाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने छात्रा को बीडी के अस्पताल झुंझुनू रेफर कर दिया। हादसे की सूचना के बाद मृतक के घर कोहराम मच गया। गुजरवास मोहल्ले के दो पेशेंट आए हैं एक्सीडेंट होके। एक का नाम तो कृष्ण कुमार है, एक का नाम फीमेल मेल है और एक का है फीमेल, उसका नाम है निकेतन। और जिसमें से जो कृष्ण कुमार जी थे वो तो हमारे पास ब्रॉड डेड आए थे, और जो इनकी गंभीर हालत थी निकेतन जी की, तो उनको झुंझुनू रेफर किया गया है। उनके पैर की हड्डी टूट गई है पूरी तरह से और उनके सिर पर भी चोट आई है। कोटा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक हादसा सांगोद कस्बे के बपावर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां तेज गति का कहर 5 लोगों की जान पर भारी पड़ गया। बेकाबू कार सड़क के किनारे रखे बिजली के खंभों से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी मृतक 12 के सहरोद और जीरोद के निवासी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक होटल में होटल मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बाड़मेर निवासी भवानी सिंह सोढ़ा शहर के होटल कलिंग में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह होटल के सर्वेंट क्वार्टर में ड्यूटी खत्म करके कमरा बंद करके सो गया। जब देर तक नहीं उठा तो होटल कर्मियों को संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। वहीं पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी शाम को इतला मिली कि कलिंगा होटल में काम करने वाला एक कर्मचारी ने कमरा बंद कर रखा था, उसके वारिसान और होटल के मैनेजर की मौजूदगी में कमरा तोड़ा तो मालूम चला कि उसने सुसाइड कर लिया। तो बाड़मेर का रहने वाला है और सुसाइड के कारणों का भी मालूम नहीं चला, उसकी जांच की जाएगी। भीलवाड़ा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सांगानेरी गेट क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती के अपहरण का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने युवती के माता पिता से भी मारपीट की, लेकिन घर में शोर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर बदमाश रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की धमकी देकर फरार हो गए। वहीं युवक समुदाय विशेष के होने से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग आक्रोशित होकर भीमगंज थाने पर जमा हो गए, जहां पीड़िता के पिता ने नामजद शिकायत दर्ज करवाई। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश में बदमाशों के घर सहित कुछ संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चला। आपका स्वागत है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में दीपक की लौ से निकली चिंगारी में 2 घरों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने निजी संसाधनों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया। भंवर सिंह ने बताया कि उसकी पुत्री दीपक लेकर अंधेरे में कपड़े तलाश कर रही थी, तभी दीपक की लौ से छप्पर में आग लग गई। थोड़ी देर में ही आग भंवर सिंह के मकान से उसके भाई धर्म सिंह के मकान में भी पहुंच गई। दोनों घरों को जलता देखकर गांव के लोग भागकर मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नागौर के पर्वतसर में चोरों ने बैंक में रुपए जमा कराने आए बुजुर्ग का रुपयों से भरा बैग पार कर लिया। थानाधिकारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि पीड़ित कालूराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि SBBJ बैंक से पेंशन के 24,000 रुपए निकालकर वे कोऑपरेटिव बैंक गए, जहां पैसे ट्रांसफर करने के लिए विड्रॉल फॉर्म भरने लगे, लेकिन इसी दौरान किसी ने उनका बैग पार कर लिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर चोर की तलाश की जा रही है।
नागौर के लाडनो में नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने बस स्टैंड के चारों ओर लोगों द्वारा लगाए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने बस स्टैंड को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया। राजधानी में सफाई कर्मियों के समानीकरण की पहल हो चुकी है। जल्द ही शहर के सभी वार्डों में समान संख्या में सफाई कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम में जोनवार बैठक कर पार्षद और स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया जा चुका है। उपमहापौर मनोज भारद्वाज ने बताया कि अप्रैल अंत तक समानीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल होने के बावजूद शहर की व्यवस्था बाधित ना हो। टोंक के देवली में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा रोड पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन वहां से नहीं गुजरा, नहीं तो करंट के दौड़ते हुए तार के चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सूचना के बाद विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तार को जोड़कर अपने काम से इतिश्री कर ली, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जोड़ तोड़ इसका स्थायी समाधान नहीं है, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। अजमेर के केकड़ी में पुलिस ने सरिया चोर गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केकड़ी पुलिस उप निरीक्षक राकेश पाल सिंह ने बताया कि कई दिनों से कस्बे सहित आसपास के गांव में सरिया चोरी की कई वारदातें हुई थी, जिनकी जांच के बाद सरिया चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी हरिराम कुमावत ने बताया कि गिरोह के सदस्य दिन में निर्माणाधीन मकानों की रैकी कर चोरी का स्थान और दिन चिन्हित करते थे और फिर रात्रि में सरिया चुराने की वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य चुराए गए सरियों को पिकअप में भरकर जयपुर ले जाते थे, जिन्हें कम दामों में बेच देते थे। विगत पिछले कुछ दिनों से केशरी थाना क्षेत्र में मकानों के आगे, सरकारी बिल्डिंगों के आगे सूने पड़े हुए सरियों को चोरी किए जाने की घटनाएं निरंतर हो रही थी। केकड़ी पुलिस ने इस दिशा में काम करते हुए चार वारदातों को करने वाले गैंग को ट्रेस किया है। इस गैंग में गुलाब खान निवासी नसीराबाद इलाका थाना नसीराबाद, जिसकी गाड़ी पिकअप का इस्तेमाल ये बदमाश करते थे, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लीलाराम बैरवा, जो कि मूल रूप से कनेचन कला पुलिस थाना फूलिया कला जिला भिलवाड़ा का रहने वाला है, मुख्य सरगना ये लीलाराम ही है इसमें, और इस सरिये को चोरी करने के बाद जयपुर बेचा जाता था। उस चोरी के सरिये को खरीदने वाले बंटी गौतम के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। सरकार ने पॉलिथीन पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में पॉलिथीन धड़ल्ले से बिक रही है। मामला राजसमंद का है, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते बेरोक टोक पॉलिथीन का प्रयोग हो रहा है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे साथ पशुओं के लिए भी नुकसानदायक है।
बाड़मेर के पचपदरा स्थित भगवती आश्रम में माली समाज की ओर से गेर नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माली समाज के कलाकारों ने गेर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं समाज के महिला पुरुषों ने भी नृत्य में शामिल होकर आनंद उठाया। घंटों चले इस कार्यक्रम का हजारों लोगों ने लुत्फ उठाया। राजस्व संबंधित लंबित मामलों को निपटाने में अलवर जिले का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से अलवर जिला प्रशासन को राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि राजस्व मंडल की ओर से प्रतिमाह 20 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा करने की गाइडलाइन जारी की हुई है। इसके अनुसार ही लोक अदालतों और वकीलों की सक्रियता के कारण ही अलवर में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। राजस्व मंडल की ओर से अलवर सहित अन्य चुनिंदा जिलों को A ग्रेड दी गई है। जितनी हमारे अपील्स पेंडिंग हैं हमारे कोर्ट में, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल करें और यहाँ की बार के सहयोग से और लोक अदालत का आयोजन समय समय पर होने के कारण हम इसमें सफल रहे कि नॉर्म्स से अधिक हमने डिस्पोजल किया, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी बात है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आम जन को उनके वादों का निस्तारण समयबद्ध रूप से अधिक निस्तारण करने का हम प्रयास करेंगे। धौलपुर के कंचनपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने खेत पर लगे ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर में लगे तांबे के तार सहित अन्य सामान चुरा लिए। पीड़ित बनवारी ने बताया कि वह जब खेतों में लगे ट्यूबवेल पर सोने के लिए गया तो वहां पर ट्रांसफार्मर के पुर्जे खेतों में बिखरे हुए पड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर में बायतू की सिंघोड़िया ग्राम पंचायत में कैशलेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए विधायक ने इससे होने वाले फायदे तथा सरकार के सहयोग के बारे में भी बताया। सरपंच हनुमान बेनीवाल ने 2 साल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। जहां गरीबों को 2 वक्त के भोजन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं भीलवाड़ा के बिजौलिया में उपखंड अधिकारी आलोक जैन की पहल पर गठित असहाय सेवा समिति उपखंड क्षेत्र के गरीबों को निशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रही है। बिजौलिया जिले का एकमात्र ऐसा उपखंड है जहां गरीब और असहायों को एक ही छत के नीचे खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो रही है। साथ ही नेकी की दीवार से निशुल्क कपड़े भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैन की पहल से बनाई गई समिति में अब तक 600 से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं, जो रोज असहायों के लिए भोजन उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। वहीं समिति द्वारा लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन दानदाता के नामों को मुख्य बाजार में लिखे सूचना पट्ट पर लिखकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में दूध को लेकर आ रही एक पिकअप गाड़ी की स्टीयरिंग फेल होने से लालोनी गांव के पास खेतों में पलट गई, जिससे गाड़ी में रखा करीब 80 लीटर दूध खेतों में फैल गया। गनीमत ये रही कि गाड़ी चालक को खेतों में काम कर रहे किसानों ने सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाल लिया। गाड़ी चालक कमल सिंह ने बताया कि वह लहकपुर गाँव से नंगला बिधोरा गांव में दूध लेने जा रहा था, तभी मोड़ पर गाड़ी की स्टीयरिंग फेल होकर खेतों में जाकर पलट गई।